आज मुस्लिम आरक्षण को लेकर विधान भवन में मुद्दा उठाया गया। अबू आजमी इन्होंने पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी। और एनसीपी की जब सरकार थी तो इन्होंने प्रस्ताव लाया था कि 5% मुसलमानों को एजुकेशन में और सर्विस में रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी सरकार आई, बीजेपी ने वहाँ प्रस्ताव माना नहीं, ठुकरा दिया। फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर हमने मांग किया, कांग्रेस और एनसीपी ने जिसने ये प्रस्ताव लाया था उन्होंने अपनी सरकार होने के बाद भी अपना वादा पूरा नहीं किया, मुसलमानों के साथ खुला धोखा किया। हम हर सत्र के अंदर सड़क पे, विधानसभा में मीडिया के माध्यम से आंदोलन करके बार बार इंसाफ की गुहार कर रहे हैं कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये मैं नहीं बल्कि जितनी कमेटियां बनाई गई थी, सरकार ने बनाई थी, चाहे गोपाल सिंह पैनल हो, चाहे सच्चर कमेटी हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो, चाहे महमूदुर रहमान कमेटी हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आईएएस अफसर, इन सब ने कहा कि मुसलमानों के हालात ख़राब हैं, कहीं 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 ना कहीं वो दलितों से भी पीछे हैं, इसलिए इनको 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। परंतु रिजर्वेशन आज तक नहीं मिला। हाई कोर्ट के मानने के बाद, हाई कोर्ट के रिकग्नाइज करने के बाद भी 5% तुरंत दिया जाए एजुकेशन में, आज तक नहीं मिला। इस मांग को मैं नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है, आपने कहा कि सबके साथ इंसाफ होगा तो मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करते हो, 5% रिजर्वेशन जल्दी दिया जाए, ये हमारी मांग है। ये ज़रूरत है ना, जनता को जगाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि सरकार ने कितनी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं उसके बाद एक समुदाय के साथ कितना जुल्म जाति कर रहे हैं, ये सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आज सरकार नए नए मुख्यमंत्री बने, उम्मीद पर दुनिया कायम है, इनसे बात करेंगे, भाई आपने इंसाफ करने की बात किया, इंसाफ करो, उम्मीद है हमें। मला असं वाटतं का इतर आरक्षणाकडे जास्त लक्ष दिलं जातं, मुस्लिम आरक्षणाकडे कमी लक्ष दिलं जातं? नाही नाही, मुस्लिम का आरक्षण नाही, बल्कि मुसलमानों के साथ कोई भी, अभी आज तक जो है माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाया गया, न पिछली सरकार ने बनाया, न इसने बनाया, अभी तक मौलाना आजाद कॉर्पोरेशन नहीं बनाया गया, अभी तक हज कमेटी नहीं बनाई गई, उर्दू अकेडमी नहीं बनाई गई, इस तरह से बहुत सारे जितने भी माइनॉरिटीज़ के जितने भी संस्थान हैं वो कोई नहीं बनाया गया अभी तक, मुसलमानों के साथ खुल करके बिल्कुल जो है इनका जो है उसके खिलाफ काम हो रहा है।